नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। कानपुर चकेरी जाजमऊ सरस्वती विद्या निकेतन कॉलेज डिफेंस कॉलोनी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरा होने पर शनिवार को महाराजपुर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सरस्वती विद्या निकेतन डिफेंस कॉलोनी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना ने अपने संबोधन में कहा कि 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है, 4 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। 4 साल में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले जंगल राज जातिवाद हावी रहा था, जचर सड़क पेयजल किल्लत व शिक्षा माफिया हावी थे। 24 करोड़ जनता ने नए भारत स्वस्थ भारत व आत्मनिर्भर के लिए मतदान किया था। आज वह योगी सरकार ने सही साबित कर दिया है। किसी पद पर बैठना आसान है, उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना कठिन है। कानपुर संवाददाता वाजिद खान की रिपोर्ट। लोगों का स्नेह साथ विश्वास तब होता है जब उनके द्वारा अपेक्षाएं जो होती हैं उनको पूरा करने का काम। इन 4 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा के नाते से मेरे द्वारा जो कुछ भी हो सकता मैंने किया, और उसी के कारण जनता का स्नेह प्यार और विश्वास आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हुई, बिजली आज 22 से 24 घंटे गांव में और शहर में और गांव में मिल रही है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, सड़कें अच्छी बनी हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है। हर क्षेत्र में विकास के नाते से इन 4 वर्षों को अगर हम पूरा करें, आज़ादी के बाद से लेकर जितना काम एक सरकार के लिए नहीं किया था उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने किया। इस विकास की श्रृंखला को हम और आगे बनाए रखेंगे, जनता के विश्वास को पूरा करना और जनता के साथ हमेशा उसके काम के लिए खड़ा होने का जो संकल्प मेरे द्वारा लिया गया मैं उसको पूर्ण रूप से पालन करूँगा। ऐसा मैं अपने क्षेत्र की जनता को और कानपुर महानगर के जनमानस को विश्वास। मंत्री जी, मंत्री भी लगातार और जनता भी काफी रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? पेट्रोलियम और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तय होते हैं जी। इस समय माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय दाम बहुत ज़्यादा था, उसके बाद लगभग आधे दाम भी हो गए थे। इधर कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोविड में आज पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कसा हुआ, उस बात को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पेट्रोलियम के दामों को देखते हुए आज थोड़ी सी जो घटनाई है वो जल्दी ही उसका समाधान होगा और जल्दी पेट्रोल के साथ होगा।